दोस्तों, क्या आप अपने फेसबुक में प्रोफेशनल मोड को ऑन करना चाहते हैं? अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो फिर आज के इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और फेसबुक अकाउंट को प्रोफेशनल मोड में एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से आपको ओपन करना होगा फेसबुक ऐप को। फेसबुक ऐप जब ओपन हो जाए तो यहाँ पे इस प्रोफाइल आइकॉन पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन बिंदु पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, नीचे में प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं अभी मेरे में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से आप में प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन न आए तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मेरा फेसबुक अकाउंट लॉक है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक होगा तो प्रोफेशनल मोड वाला ऑप्शन नहीं आता है। इसके लिए आपको यहाँ पे इस तीन बिंदु पे क्लिक करना होगा और अनलॉक प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अनलॉक पे और इसके बाद अनलॉक योर प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आपकी फेसबुक की प्रोफाइल अनलॉक हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पेड फॉर योर कंटेंट। अगर यहाँ पे इस तरह से आप प्रोफेशनल मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और फेसबुक पे रील या फिर कुछ भी वीडियो अपलोड करते होंगे तो वहाँ से आप अपने कंटेंट को मोनिटाइज कर सकते हैं और यहाँ पे सी कंटेंट पे क्लिक करके आप अपने ऑडियंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल क्लिक करते हैं टर्न ऑन पे। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारी फेसबुक में प्रोफेशनल मोड एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। एक बार हम फिर से आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा फेसबुक का प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह से दिखलाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस तीन बिंदु पे क्लिक करते हैं और व्यू एज पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हमारा फेसबुक अकाउंट दूसरे के फोन में इस तरह से दिखलाई देगा। यहाँ पे फ्लोवर शो करेगा और इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल में डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ आएगा।